चलिए, मेरे और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज संडे की सुबह है, संडे की सुबह भी मोहन का ट्यूशन है। उसका आने का टाइम हो ही चुके हैं, बस 3 मिनट बाकी है। जाने में मुझे 1 से 1.5 मिनट टाइम लगेगा, उसके पहले मैं उसके लिए फ्रूट्स रेडी करके जाती हूँ। कभी ऑरेंज देती हूँ, कभी स्ट्रॉबेरी, कभी ग्रेप्स। आज ग्रेप्स और क्यूकम्बर दे रही हूँ, पर 2 में से 2 ही वो नहीं खाएगा, 1 का आधा ही शायद क्यूकम्बर का खाएगा और ग्रेप्स पूरा खा लेगी। तो एक मैं मेरे लिए ले रही हूँ। एक्चुअली कुछ दिन से नहीं, ये बहुत दिन से, अभी आज 1.5 साल होने जा रहा है, 1.5 साल 1 साल होने जा रहा है कि मुझे मैं बाहर का खाती हूँ या फिर कोई ज़्यादा मसाले वाला कुछ खा लेती हूँ ना, तो मेरा पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वो गैस के दर्द नहीं होते हैं, जब से मुझे कोविड हुआ था, कोविड होने के बाद से मुझे ये प्रॉब्लम होता है। बहुत दर्द होते हैं अगर बाहर का कभी खा लेती हूँ, जैसे कि लूज़ मोशन टाइप का हो जाते, फिर से ऐसा होते रहते हैं। तो मैं डॉक्टर को बहुत बार दिखाई, डॉक्टर ने बोलते हैं पेट में इन्फेक्शन हो जाते हैं आपका, और ये कोविड के टाइम जो एंटीबॉडी आपने लिया था उसी का ही असर होते हैं। तो मैंने बोला ये क्या कभी ख़त्म नहीं होगा, तो उन्होंने बोला हाँ, धीरे धीरे करके इसका डोज जब कम हो जाएगा। देखो मेरा कोविड शायद अब आज 1.5 साल होने जा रहा है, मेरा कोविड का 2 साल शायद, फिर भी उसका जो साइड इफ़ेक्ट कुछ कुछ रहते हैं वो रह ही जाते हैं। तो चलो ये सब बातें बाद में करूँगी, पहले मुन को लेके आती हूँ। ब्लॉग की स्टार्टिंग में ही क्या ना एकदम सैड न्यूज। अच्छे से पढ़ाई किया? हाँ। तुमने अच्छे से रीडिंग किया? हाँ। राइटिंग किया? हाँ। मार खाया? नहीं। मून को लेकर आने के बाद उसको फ्रूट देके मैं बिठाई हूँ, और अभी बनाऊंगी मैं खीर। बहुत दिनों से ना ये दूध जो है बचा हुआ फ्रिज में पड़ा था, इसीलिए आज इसमें थोड़ा और दूध डाल के इसका आज खीर बनाऊंगी। और खीर बनाने के लिए मैं जो राइस है ना, गोविंद भोग राइस, वो कोलकाता से लेके आई हूँ। एक्चुअली ये राइस, ये जो विंटर के टाइम होते हैं ना, इसमें नया वाला उगते हैं और उसका जो खुशबू रहते हैं ना वो अच्छा रहते हैं। पर जो नॉर्मली हमने, मैं जब आई थी तब कौन सा मंथ था, शायद नवंबर का मंथ रहेगा। तो नवंबर की मंथ में ऐसा हुआ था कि उनके पास ज़्यादा इसका कलेक्शन नहीं था, कलेक्शन मतलब ज़्यादा करके नहीं था, तो मैं थोड़ा सा ही लेके आई थी। उन्होंने बोला था कि आप अगर विंटर के टाइम में लोगे ना तो वो अच्छा स्मेल वाला मिलते हैं। अभी मून आने के बाद नहाना अभी टाइम हुआ है, आप सोचोगे कि ट्यूशन से आने के बाद ही फिर से पढ़ाने के लिए बैठा दिया, नहीं, वो ट्यूशन से 10:30 बजे आए हैं, अभी 11:30 या 12 बजे के आसपास की टाइम हो रहा है, 12 बज गया है। तो अभी मैं उसको 2-4 होमवर्क रहते हैं वही करने के लिए दिया हूँ। उस साइड में खीर बना रही हूँ और इधर मून के पापा आयरन कर रहा है और मून स्टडी कर रही है। और एक्चुअली मुझे आयरन करना नहीं आते। खीर का जो चावल है वो तो सॉफ्ट हो ही चुका है, और अभी ये जो है तो मैं गुड़ डालूंगी खीर में, खजूर का गुड़, पर गुड़ अभी नहीं डालूंगी। कभी कभार क्या होता है कि गुड़ डालने से दूध फट जाते हैं, पर ऐसा खजूर के गुड़ में नहीं होते हैं, फिर भी कभी कभार हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग बोला ना जब आए थे तब विंटर एकदम पड़ा ही नहीं था, तो हमने नॉर्मल सा जो भेजाल बोलते मतलब फेक थोड़ा सा मिलावट रहते ऐसा वाला खजूर का गुड़ लेके आए थे, पता नहीं उससे क्या होगा, इसीलिए थोड़ा सा शक्कर डाल के फिर खजूर का गुड़ जो है ना वो डालूंगी, तो ये फटेगा नहीं और ख़राब होने का भी चांस नहीं रहते। थोड़ा सा गुड़ डाली हो और थोड़ा सा एकदम हल्का सा शुगर डाली हो, ज़्यादा नहीं। तो इसको अभी ऐसे ही धीमी आंच पे मैं उबालने दूंगी, एकदम गाढ़ा होने दूंगी दूध को, उसके बाद मैं निकाल लूंगी। और मुझे अगर, मुझे खीर इतना पसंद नहीं है, पर अगर कोई पूछे तो मैं बोलूंगी कि मुझे गुड़ का जो खीर होते हैं वही ज़्यादा पसंद है, जो चीनी मतलब शुगर का जो खीर होते ना वो इतना पसंद नहीं आते मेरे को। और जब मैं प्रेग्नेंट थी ना तब हमारे में पहले पहले खीर नहीं खाना पड़ते, उसके बाद जब गोद भराई हो जाते हैं ना उसके बाद से, मतलब आपको हर महीने में ऐसा होता है कि हर महीने में या 2-4 महीने बाद खीर का मतलब खाना ही पड़ता है आपको, ऐसा होता है। साथ देते हैं ना जो बेबी शावर रहते हैं ना उसका,
तो देखो मुन का स्टडी हो चुका है, अभी वो क्या पहन के आ चुकी है। उधर ऐसे वो नॉर्मली करते रहते हैं, इसके मुन के पापा का पहनेगा नहीं तो मेरा पहनेगी, ऐसे पहन के मुझे दिखाने के लिए लेके आती है। और मैंने उसको बोला कि थोड़ा सा डांस करके दिखाओ, तो वो ना एकदम ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया और वो सोच रहा है अभी कैमरे के सामने मुझे ऐसा कुछ पोज डालना है जिसमें सब लोग खुश हो जाए। उसने क्या किया देखो उसको ऐसा ही लगते पता है कि अगर कुछ बोला है सबके सामने सबको इम्प्रेस करना है ऐसा। तो अभी शाम के टाइम हो रहा है, दोपहर की लंच वगैरह। आज आपको लंच का नहीं दिखाई ना, वो फिश था ना उस दिन लेके आए थे उसी का एक करी बनाई थी, मैंगोन को फ्राई किया था और मूली की भाजी टाइप का एक बनाई थी। और अभी हम रेडी हो चुके हैं और रेडी होने के बाद हम जा रहे हैं थाने में। थाने में एक्चुअली मून को बहुत दिन से ना वो जामलीना का है ना उधर बोट में मतलब घूमना था पानी के अंदर, तो उसी में लेके जा रहे हैं हम। एक्चुअली मैं आज रेडी हुई हूँ एक ब्लैक कलर का टॉप और जीन्स पहन के, इसका एक मतलब शॉर्ट वीडियो में बनाई हूँ आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी। कमेंट करके बताना हाँ कि कैसे लगे हैं, अभी तक तो नहीं अपलोड किया, मैं कल करूँगी या परसों। तो अभी जा रहे, देखा रास्ता कितना ख़राब है हमारे कालेर से थाने तक जाने के लिए ना, आप खाना खा के अगर निकलोगे हजम हो जाएगा, और जिन लोगों को हजम नहीं होते उन लोगों को उल्टी हो जाएगी। और अभी थाने पहुंच भी गई हूँ, शायद कुछ आधा घंटे के आसपास लगता है थाने में मतलब कालेर से थाने जाने के लिए। अभी ये काले मतलब थाने में पहुंच चुकी हूँ, अभी इधर से टर्न लेगा तो हम जामली का लगा के उस साइड जाएंगे। हम पहुंच गए हैं इधर बोट के इधर, तो हमने दो लोगों के लिए बुक किया था, उसके बाद सुना कि नहीं बच्चे लोगों को भी बुक करना है तो मुन के लिए भी बुक कर लिया था। और इसमें चढ़ने का तो मुन को ही सबसे ज़्यादा मज़ा आया, पर इसको जो पैडल है ना उसको पैडल करते करते पैर पूरा दर्द हो चुका था मेरा, क्योंकि जब तक आप पैडल नहीं करोगे ना वो जो रहते हैं ना मतलब बोट को चलाने के लिए, एक्चुअली इसमें हम तीनों ही थे, तो वो करते करते मेरा पैर पूरा दर्द हो गया। मैं अकेली नहीं कर रही थी, मून के पापा भी कर रहे थे देखो। और एकदम मून तो एकदम धीरे से बैठी है, मैं सोची थी डरेगी पर नहीं डरा, बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। पर हमने पता है 20 मिनट पहले ही निकल गए, मतलब हमको कुछ कितना बजे तक 5 बजे तक हम गए थे उधर और पहुँचे थे, और हमको 55 मतलब एक घंटा भी नहीं आधा घंटे से थोड़ा ज़्यादा हमको चढ़ने का परमिशन मिला था। पर हम लोगों ने मतलब कितना 20-25 मिनट तक ही है उसमें हम चढ़ के फिर हम चले आए, क्योंकि मुझे इतना डर लग रही थी ना कि मैं मून को टोपी नहीं लेके गई थी, और चारों साइड से इतना ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, ऐसे ही उसको सर्दी का प्रॉब्लम होते हैं, तो फिर मतलब क्या बोलूँ टेंशन हो गया था कि फिर से सर्दी ना लग जाए, फिर से खांसी ना शुरू हो जाए। इसके लिए मैंने बोला चलो जाने दो, थोड़ा टाइम पहले ही हम लोग उतर जाते हैं, चाहे तो मून को किसी और में चढ़ा लूँगी। तो इधर आने के बाद मून को दिख गया था ये ट्रेन जो कि उसको चढ़ना था, तो मैंने बोला चलो उसको चढ़ मतलब बिठा दो। पहले ना मून जब छोटी मतलब अभी भी छोटी है, जब 2.5-3 साल की थी तब ना ये सब में चढ़ने के लिए बहुत डरती थी, पर अभी नहीं डरती है, वो जंपिंग होते हैं ना मिकी माउस का उससे भी डरती है। घर आ रहे थे, कुछ कुछ सामान लिया है, मैं घर जाके दिखाऊंगी आप लोगों को। तो इधर एक जैन मंदिर है काले मतलब थाने की साइड में, इधर उधर बहुत अच्छा लाइटिंग किया था, मैं आप लोगों को दिखा रही थी, मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना जब मैं उसके नीचे से जा रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि गांव की शादी में एंट्री कर रही हूँ। एक्चुअली हमारे कोलकाता की शादी में ना अगर बड़े बड़े जिस घर में शादी होते हैं ना वो लोग एकदम बिल्कुल ऐसी तरह से लाइटिंग करते हैं एकदम, तो वही मैं दिख रही थी। और साइड में कुछ इधर गाड़ी भी था घोड़े का, तो मैं बोली ये किसका है, तो वो ऑटो रिक्शा वाला बोल रहा था शायद इसमें वो जैन का जो गुरुजी होते हैं ना जैन लोगों के, तो शायद उन्होंने आया होगा। तो मैंने बोला अच्छा, तो इसी देखते देखते फिर जो मंदिर से एक्चुअल पूजा हो रहा था वो मंदिर के सामने से गुजर रहा था, और ये है वो मंदिर। और देखो इसके अंदर कितना अच्छा डेकोरेशन, ये है क्या, हाँ तो मैं ले ही थी बस एक ही टॉप, ये वाला टॉप लिया था, कैसी लग रही थी मैं थोड़ा लूज फिट में लिया था, क्योंकि मुझे ऐसे लूज फिट में पहनने के लिए अच्छा लगते हैं, और मुझे लग रहा था ये ज़्यादा ही लूज़ हो गया है, तो सोच रही थी एक बार फिटिंग्स कर लूँ क्या, ऐसे सोच रही थी, फिर सोचा कि नहीं जाने दो। लिया है 2-3 नेल पॉलिश है, और ये क्लिप लिया है, एक लिप लाइनर लिया है, बस मेरे लिए इतना ही कुछ लिया था मैंने। और मुन के लिए कुछ लिया हूँ वो मैं बाहर जाके दिखा रही हूँ, उसको बहुत दिनों से चाहिए था, उसको तो ऐसे चाहिए ही होते हैं। एक घड़ी लिया है मैंने,
मतलब मून के लिए ऐसे चेंजिंग वगैरह होते कुछ तो। और एक शूज़ लिया है, ये शूज़ मुझे कलर भी बहुत अच्छा लगा, कंफर्टेबल भी था, और सबसे मून को इसीलिए पसंद है क्योंकि इसमें लाइट है। देखो इसको पहन के ही डांस करना शुरू कर दिया उसने। मैं बोला कि तूने क्या क्या लिया है, सबको दिखा, तो वही दिखाते दिखाते एक बार डांस भी कर लिया कि चलो सबको एक बार फिर से और एक बार इम्प्रेस कर लेते हैं। तो वही दिखा रहा था। और एक पिंक कलर का देखो, ऐसा लग रहा है कि कहाँ से तो उठा के लेके आया है, एकदम बड़ा सा। आते टाइम हमने कुछ ये क्या बोलते हैं हम बंगाली में, इसको प्याज कोली बोलते हैं, मतलब ये तो स्ट्रॉबेरी है, और इसको अच्छा क्या बोलते हैं वो चाइनीज़ खाने में ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, आप लोग देख के तो आपको समझ ही गया होगा, वो लेके आई थी। तो वो सब कुछ धो के कट करके रखी थी बाहर से, बस मैं पानी पूरी खाई थी। बोलती हूँ ना कि मुझे प्रॉब्लम होते हैं, इसी वजह से नहीं खाती हूँ बाहर का। पानी पूरी खा के आ गई थी घर, आके राइस बिठाई हूँ, बस राइस बन जाएगी, रात का डिनर हो जाएगी। और आप लोगों के लिए ये व्लॉग यहीं तक एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ और एक नए व्लॉग में। बाय बाय।